Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार आप सबका जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है उन लोगों का भी बहुत स्वागत है जो लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ जापानी पढ़ने हम आशा करते हैं कि इसके बाद आपकी रुचि जापानी के प्रति बढ़ेगी आप लोग और जापानी भाषा सीखना चाहेंगे बोलना चाहेंगे तो हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने अरिमास किया था अरिमास यानि कि जब आप किसी चीज़ को किसी जगह पर दिखाते हैं ये बताना चाहते हैं कि वो वस्तु वहाँ पर मौजूद है तो उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे जिसके साथ हम अरिमास का प्रयोग करेंगे और हम लोग कुछ नया करेंगे तो देखिए यहाँ पर है यूबिंग क्योकुआ हनायानो तो नारी नी अरिमास तो हम लोग लोकेशन करेंगे किसी को ध्यान में रखते हुए किसी और वस्तु के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ है जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं सबसे पहले हम एक ऑडियो सुनेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें हमें कितना समझ में आया है देपार्ट देपार्ट आ, तो अभी आपने ऑडियो सुना उसमें जो आपने पिछली बार किया है अरिमास वो तो है ही उसके साथ कुछ नया है आइए देखते हैं कि क्या नया है ये काइवा है मिरासान और तनाकासान के बीच का सुमिमासेन सेन गोवा दो कोदेस का यानी कि कहाँ है अशोको नो शिरोई तातेमोनो नो आसोको आपको मालूम है वो वहां पर अशोको नो शिरोई तातेमोनो यानी कि वो तातेमोनो जो वहां पर है उसके पीछे है उशिरो नया शब्द है और ताते मोनो नो उशिरो ताते मोनो के पीछे मौजूद है शिरोई ताते मोनो वा मोनोवा देपातोदेस का सान दोबारा पूछती हैं कि ये जो सफेद बिल्डिंग है ये क्या डिपार्टमेंट स्टोर है ई ये शिरोई ताते मोनो वा देपातो देवा अरिमा सैन डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है अनुबीरुआ तो शोकस अब आनो वो यहां इसलिए प्रयोग कर रही हैं क्योंकि दोनों जने देख रहे हैं कि कौन सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बारे में दोनों को पता है इसलिए आनो बीरू व तो शोकान दिस बीरू का अर्थ है बिल्डिंग तो मीरासान अरिगा तो कह देती हैं ये जापानी में है आपके लिए गिंको तातेमोनो उशिरो, तोशोकान, ये सब कांजी में लिखा है आपको पहचानना अभी आना चाहिए कि किस चीज की कौन सी कांजी है ये एक्सप्लेनेशन है उसका आप पढ़िए और इसको समझिए आज जो नए शब्द हैं वो हम आपको कराते हैं तो देखिए ये किताब है पेन वो नो ओनी अरिमास पेनवा होन नो शित नियरिमास यानी कि इसके इसको जब आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है इसके रिलेशन में ये यहाँ पर है पेन वा होन नो शित नियरिमास पेन वा होन नो माए नियारी यानी कि किताब के सामने है आपकी तरफ से देखेंगे तो भी वो サムネホギ、アップサムネホギ。ペンは学生の前にあります。ペンは本の前にあります。ペンは私の前にあります。ペンは本の隣にあります。ペンはホの नाका मास यानी कि अंदर है किताब के अंदर है किताब के बगल में है किताब के सामने है पेन व होन्नो उशिरोनियरी मास यानी कि उसके पीछे है तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस वस्तु के बगल में है या उसके सामने है उसके पीछे है उसके नीचे है उसके अंदर है अब यह हमारा हाथ है पेन वा तेनो उएनी एनी पेन वा पेनवा तेनो शतानी पेन वा तेनो नाकानी आरिमास तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि वस्तु कहाँ पर है जैसा कि इसमें भी बताया गया है आपके कॉन्वर्सेशन में कि बीरुआ असोकोनो शिरोई तातिमोनो नो उशिरोनी अरी मास अब आप अभ्यास कर सकते हैं इन शब्दों का हमारे बाद बोलिए उशिरो यानी पीछे नाका माए शिता उए तोनारी सोबा योको सोतो इसमें योको जो है उसका अर्थ है किसी भी एक चीज से सटा हुआ यानी कि आप देखेंगे कि दीवाल है दीवाल के सहारे से कोई साइकिल खड़ी है तो काबेनो योकोनी आरिमास या सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी है तो मिचीनो योकोनी खमागा आरिमास तो कोई चीज़ अगर लंबी है उसके सहारे से कुछ खड़ा है या रखा गया है तब उसको योको कहा जाता है सोतों के माने हैं बाहर तो कमरे के बाहर या घर के बाहर तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अब एक देखिए आपके पास तस्वीर है दो व्यक्ति खड़े हैं मीरासान और तनाका सान और मीरासान तनाका शान से क्या पूछती हैं होन वा दो को दोकोदेस का होन वा को असोकोदेस एक तो जवाब हो सकता है बहुत साधारण जो आपने पहले भी किया है वो है होन वा को असोकोदेस या होन वा सो को सोकोदेस यहां पर क्योंकि दोनों जने इस वस्तु से होन से बहुत दूर खड़े हैं इसलिए होन वसोकोदेस या एक और उत्तर दिया जा सकता है होन वा इसुनो नो उनी अमास होन वा ये जो किताब है इसु यानी कि कुर्सी नो उनी अरिमास होन कुर्सी के ऊपर है तो इसको आप इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं अपने मित्र के साथ आपके लिए और भी अभ्यास है देखिए स्कूए है स्कुए के ऊपर कागी रखी है तो कागीवा ते बुरुनो ऊे नी अरिमास कागीवा दो को दस कागीवा बुर नो ऊे नी अरिमास अब ये बताइए कहाँ पर है अभी आपने किया है ये क्या है हको तो हकोवा दो को दसका हकोवा ते बुर नो शानी आरिमास अब ये बताइए क्या है ये तो कैंडीज हैं बहुत सारी एक बॉटल के अंदर है एक कैन के अंदर है तो कैंडीवा दो को दस का कैंडीवा खंज में नो नाकानी अरिमास ख में ये हुआ कैन हुआ कैन नो नाकानी अरिमास और आखिर में देखिए क्या है बताइए टीवी है और किताब है तो होन वादो को दैस का या तेरेबीवा दो दस का होन वा तेरेबी मायनी अरिमास यानी कि तेरेबी के सामने है तो इस प्रकार आप कोई भी वस्तु को देख करके उसका अभ्यास करिए पूछिए वो कहाँ है और जवाब दीजिए अब देखिए एक छोटा सा डायलॉग है यहाँ पे मीरा और रीता सान के बीच में केकी वा दोको नी अरिमास का? केकी वा स्कूए नो उए नी अरिमास का? वा स्कूए नो उए नी अरिमास का? हाई तो अभी ऑडियो आपने आपने सुना उसमें जो आपने पिछली बार किया है अरिमास वो तो है ही उसके साथ कुछ नया है आइए देखते हैं कि क्या नया दो नो उची गोवा नो उची गोवा खे की नो साधारण सा एक कॉन्वर्सेशन है ये तस्वीर है देखिए तीन लोग बैठे हैं बर्थडे पार्टी हो रही है केक टेबल पर रखा है केक की वा दो को देख का केक की वा टेबल के ऊपर नहीं आ रही अब ये बताइए रोशो को वा केक की नो ऊपर नहीं आ रही का इसका रोशो को यानी मोमबत्ती अगर आप पूछेंगे रोशो को वा दो को देख का तो रोसोकोवा व के किनो ओए नी अरिमास यदि आप पूछेंगे रोसोकोवा को वाह के किनो ऊरीमास का तब आपको कहना पड़ेगा क्योंकि यहां पे दिख रहा है इसलिए हाई रोसोकोवा को वाह के किनो नी अरिमास तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कुपुआ दो को दस का ये कप भी एक रखा है प्लेट भी रखी है तो कोपवा दो को का कोपा स्कूनो अरिमास ये तो आप साधारण स्ट्रेट जवाब देंगे अगर यहां पे मो का प्रयोग करना है तो देखिए अरिमापु मो स्कूए नो उए नी अरिमास। उए नी अरिमास। अब देखिए आपने यहां पे मो का प्रयोग किया है क्यों मो का प्रयोग किया है क्योंकि के कि वे नोएनी अरिमास केक टेबल के ऊपर है और कप कहां है कप भी टेबल के ऊपर है तो कोपो कु अरिमास इस प्रकार आप अलग अलग पार्टिकल्स का प्रयोग करके कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अब देखिए ये क्या है वादो को दस का असोकोदेस या सोकोदेस एक तो जवाब ये हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है कुरमा माए नी अरिमास गेंगकान यानी कि दरवाजा मेन जो दरवाजा होता है उसको गेंगकान कहते हैं कुरमावा गेंकानुमाइनी अरिमास माने सामने तो ये नी अरिमास के साथ आप उसकी एग्जैक्ट पोजिशन बता रहे हैं कि ये गेंगकान के सामने मौजूद है इसी प्रकार से आप अलग अलग चीजों के बारे में पूछ सकते हैं कि वो कहाँ है जैसे ओमोचा おもちゃはどこですかおもちゃは部屋の中にあります。椅子やにきくし、椅子はどこですか椅子はエレベーターの前にあります。いやー、ピエビポーツて。椅すはエレベーターの前にありますかはい、椅子はエレベーターの前にあります。 本はどこですか本は本棚の上にあります。本棚の上にあります。や中にあります。テレビはどこですかテレビは椅子の隣にあります。やテレビは部屋の中にあります。とは किसी भी वस्तु को बता सकते हैं कि वो वस्तु कहां पर है आपके लिए और भी अभ्यास है जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा सोचना आसान हो जाएगा तो एक कमरा है ये कमरे में टेबल है पेन है किताब है बैग और कुर्सी है तो देखिए इसमें सवाल क्या है आप पूछिए अपने दोस्त से पेन वादों को दस का ペンはつくえの上にあります。ペンはつくえの上にありますかはい、ペンはつくえの上にあります。いすはどこですかいすはつくえの後ろにあります。やにきますけにありますかはかへ、chair かはかへ、いすけピチへ。 काबान वादो को दस का अब की बार उन्होंने सवाल किया कबान वादो को दस काबान वा इसुनो वे नी अरी मास अब आप अपने मन से भी एक सवाल कर सकते हैं कि किताब कहाँ पर है तो क्या बनेगा होन वा दो को दस का होन वा ना काबानो नाकानी अरी मास तो आप इसको अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए ये जो नए शब्द आप आज सीख रहे हैं ये पोजिशन बताते हैं अंग्रेजी में इनको प्रेपोजिशंस कहते हैं और ये बताते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पर मौजूद है कांजी भी देखिए आपके लिए है यहाँ पर ऊवे की कांजी है सबसे पहले चीनी में ऊवे को अगर दिखाया जाता है तो किसी लाइन के ऊपर एक बिंदु के समान दिखाया जाता है उसको धीरे 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 ये रूप उसने ले लिया है और इस प्रकार से वे लिखा जाता है तीन स्ट्रोक की कांजी है एक दो और तीन इसी प्रकार से शिता है यानी कि नीचे एक लाइन के नीचे इस प्रकार से बिंदु दिखाई जाती है पिक्टोग्राम में और उसको शिता कहा जाता है तो देखिए एक दो और तीन शिता इस प्रकार से बनता है तीसरी कांजी है नाका की नाका यानी कि अंदर तो ये स्क्वायर को जो है ये जो स्क्वायर है इसको हम रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो ये आता इस तरीके से है कि कोई भी अगर बड़ा बोर्ड है उसको बीच में से आप आधा कर दीजिए तो ये नाका की कांजी बनती है इसका एक और अर्थ है बीच में से तो इसलिए इसको नाका कहा जाता है बहुत सिंपल कांजी है आज आपने ये शब्द भी किए हैं तो इनको आप करिए और इनका अभ्यास करिए इनसे देखिए आप कोई नया शब्द बना सकते हैं कि नहीं कोई जापानी नाम बना सकते हैं कि नहीं तो जैसा कि हर बार हम लोग एक नया मुहावरा सीखते हैं देखिए आपके सामने लिखा हुआ है तातामी नो उए नी सुई रैन तातामी नो उए नी सुई इसका क्या अर्थ हुआ अर्थ भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ है तातामी तातामी जापानी चटाई को कहते हैं क्योंकि जापानी घर जो हैं कंक्रीट के नहीं बनते हैं कंक्रीट की फ़र्श नहीं हो सकती है उनमें इसलिए उन पर लकड़ी की फ़र्श बनाई जाती है और लकड़ी की फ़र्श क्योंकि कड़ी होती है तो उस पर चटाइयाँ बिछाई जाती हैं पुराने ज़माने में तो बहुत मोटी मोटी चटाइयाँ बिन करके बिछाई जाती थीं जिससे कि बैठने में सुविधा हो अब उसको बहुत अच्छी तरीके से बुन करके और फ्रेम करके उसको ततामी का रूप दिया गया है और इसी ततामी के साइज से आप कमरे का साइज बता सकते हैं अगर आपको कोई कमरे का साइज जानना है तो उसमें पूछा जाता है कि कितने ततामी का कमरा है तो ततामी नो उए। अभी आपने ये कांजी भी करी है ये शब्द भी किया है उए नी। ततामी नो उए नी ततामी के ऊपर सुई रैन यानी कि तैरने का अभ्यास करना तो इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो यही है कि ततामी के ऊपर तैरने का अभ्यास करना लेकिन इसका जो सही अर्थ है वो है कि केवल ज्ञान हासिल करना ही काफ़ी नहीं है जैसा कि यहाँ लिखा है यानी कि केवल आप पढ़ लें केवल उसको अपनी किताब में लिख लें रख लें उतना ही काफ़ी नहीं है अगर आपको तैरना है तो खाली हाथ से स्ट्रोक्स करना या हाथ से खाली उसका एक्शन करना या घर में बैठ कर के कुर्सी पे या जमीन पर प्रैक्टिस करना इससे तो आप कभी भी तैरना सीख नहीं पाएंगे क्योंकि असल में जब आप जाएंगे वहाँ पानी में तो वहाँ क्या होगा ये जरूरी है तो असल में कोई भी चीज़ जो है सीख करके उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है उसको सीखना है प्रैक्टिस करना है और एक ही बार प्रैक्टिस नहीं करना है बार बार लगातार प्रैक्टिस करना है जैसे कि अगर आप गाड़ी सीखते हैं तो किताबों में नेट पे तो तमाम तरीके हैं कि आप गाड़ी सीख लीजिए चलाना सीख लीजिए व्हील पे बैठिए ऐसे ब्रेक लगाइए इस प्रकार से एक्सेलेशन दीजिए लेकिन जब असल में आप सड़क पे जाते हैं और वहाँ जा कर के गाड़ी चलाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि इधर से गाड़ी आ रही है दाएँ से आ रही है बाएं से आ रही है कोई सामने से आ रहा है तो कैसे चलाई जाए तो आप घबरा भी सकते हैं इसलिए सीख करके उसका अभ्यास करना अति आवश्यक है यही इस कोतोवाज़ा का अर्थ है और हमारे लिए इसलिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जापानी सीख रहे हैं जापानी सीख करके केवल उसको किताब में रख के बेकार है उसका अभ्यास करिए मित्र के साथ करिए किसी जापानी से करिए बोल के करिए तभी आपको बोलना आएगा तभी आपको लिखना आएगा तभी आपको पढ़ना आएगा तो इस कोतोवाज़ा को बहुत ध्यान में रखिए तो ये है ततामिनो उएनी सुइरेन। आज आपको एक नई चीज बताते हैं जापान में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं बहुत पर्व मनाए जाते हैं वहां पे। उनमें से एक पर्व है हनामी अब हनामी क्या है हना और मी को मिला करके हनामी बनाया गया है हना आपको पता है कि फूल को कहते हैं और मी कहते हैं देखना तो हना को फूलों को देखना फूलों को इंजॉय करना फूलों के साथ रहना यानी कि नेचर के साथ रहना प्रकृति के साथ रहना प्रकृति को देखना उसको उसको महसूस करना उसका अनुभव करना ये इस फेस्टिवल का ये इस मातसरी का मेन मकसद है हनामी और हनामी क्या है ये देखिए हनामी जो है वो फूलों से तो एसोसिएटेड है ही ख़ास करके सकुरा जो फूल होते हैं बहुत प्रसिद्ध फूल हैं जापान के उससे एसोसिएटेड है अब ये बहुत पुरानी उनकी प्रथा है कम से कम 1200 साल पुरानी प्रथा है और ये रॉयल फैमिली के लिए ज़्यादा थी कि वो लोग जाएं, बहुत जाड़े के बाद बसंत ऋतु में जाएं और जाकर के फूलों के बीच में कुछ समय बिताएं इसलिए कि जाड़े में आप घर में रहते हैं बहुत बर्फ पड़ती है मौसम ठंडा होता है आना जाना कहीं हो नहीं सकता है कठिनाई होती है तो इसलिए जैसे ही बसंत आता है फूल आते हैं तो उनको देखने के लिए राज्य परिवार जो है पुराने समय में जाया करता था और फूल क्योंकि गुलाबी फूल उस समय जाड़े के बाद मोमो के फूल यानी कि प्लम के फूल और आड़ू के फूल जो हैं वो सबसे ज्यादा उस समय होते हैं तो उनको देखने जाया जाता था आज से 1200 साल पहले करीब प्लम के फूलों को देखने की प्रथा ज़्यादा थी धीरे 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 करके वो चेरी ब्लॉसम्स यानी कि साकुरा के फूलों को देखने की प्रथा ज़्यादा हो गई और सबको ज़्यादा पसंद आने लगी अब जो है इस समय वर्तमान में बहुत सालों से सकुरा के पेड़ों के नीचे जा कर के पिकनिक मनाई जाती है जापान में एक ये समझ लीजिए मात्सुरी पर्व या फेस्टिवल इसको आप जो भी कहिए बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये स्प्रिंग टाइम में मनाया जाता है यानी कि आजकल का जो समय है उसमें ये मनाया जाता है हर घर से सब लोग जाते हैं और जा करके सकुरा के पेड़ों के नीचे बैठते हैं वहाँ पिकनिक मनाते हैं नाचते हैं गाते हैं खाना बनाते हैं सब कुछ करते हैं ये तो एक बहुत ऊपर से सकुरा या हनामी के बारे में है लेकिन इसका एक बहुत अच्छा जो है भाव वो बच्चों को देखिए शुरू से बता दिया जाता है समझा दिया जाता है या बिना बिना कहे बिना कुछ किए उनको समझ में आने लगता है सकुरा के पेड़ जो हैं ज्यादातर सड़क के किनारे नदी के किनारे या सेमेट्रीज में कब्रिस्तानों में लगाए गए हैं क्यों लगाए गए हैं कब्रिस्तानों में एक तो जगह बहुत सुंदर बन जाती है महकती है खुश दिखता है माहौल दूसरे जो है हर परिवार से लोग वहाँ सकुरा के सीज़न में जाते हैं जा कर के अपने परिवार जनों के साथ जो उनके साथ अब मौजूद नहीं हैं उनके साथ जा कर के सकुरा के मौसम में कुछ समय बिताते हैं खुश होते हैं और जो अब नहीं हैं हमारे साथ लोग वो भी खुश होते हैं कि हमारे परिवारजन हमको भूले नहीं हैं हमारे साथ हैं हमारे साथ इतना अच्छा मौसम एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चे जाते हैं वहाँ जा कर के गाना होता है खाना बनाया जाता है नाचना होता है तो एक अच्छा माहौल बनता है और जो लोग नहीं हैं हमारे साथ जो गुजर गए हैं उनको भी अच्छा लगता है वो भी खुश होते हैं ऐसे मौसम में तो धीरे धीरे जो कब्रिस्तान के प्रति एक डर बनता है वो भी ख़त्म हो जाता है नेचुरल प्रोसेस में और आप उसको भी बहुत अच्छा और बहुत शांत जगह मान करके कभी भी जाते हैं और डरते नहीं हैं वहाँ जाने से तो ये हनामी के बहुत सारे बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल माना जाता है बहुत अच्छा सीजन माना जाता है जब हम हनामी करते हैं जब हम फूलों को देखने जाते हैं आपके लिए कुछ तस्वीरें हैं यहाँ आप देखिए हनामी के नीचे देखिए किस प्रकार से ये लोग बैठे हैं यहाँ और अपनी अपनी चटाइयाँ लेकर के बैठ जाते हैं इन गुलाबी फूलों से लदे पेड़ों के नीचे और वहाँ खूब मज़ा करते हैं हनामी से एक और चीज़ याद आती है सकुरा जो गुलाबी फूल है इसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं और इसकी चाय भी बनती है। आपको लगेगा कि चाय क्या है लेकिन हाँ पीने में बहुत अच्छी लगती है नेचर से आप बहुत करीब हो जाते हैं और बहुत अलग टेस्ट आता है तो ये एक छोटा सा हनामी का इंट्रोडक्शन है आपके लिए अगली बार आपको और तस्वीरें दिखाएंगे, और बहुत कुछ बताएंगे हनामी के बारे में और इसी के साथ आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो आज हमने किया है वो आप घर जा कर के अपने मित्रों के साथ अपने पार्टनर के साथ जा कर के उसका अभ्यास करिए ज़ोर से अभ्यास करिए जिससे आपको सुनाई पड़े कि आप क्या कह रहे हैं और हनामी के बारे में नेट पर देखिए देखिए कि और कितनी सुंदर तस्वीरें हैं और और क्या क्या किया जाता है हनामी के समय तो आज इतना ही धन्यवाद नमस्कार